श्यामपुर नाम के शहर में टूनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टूनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वह अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा, आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी, मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं अपने भतीजे की शादी में गाँव गई हुई थी, अभी वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपने बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दुखाई कराती हूँ बहू की, बुला तो अपनी बहू को। अरे टूनी बहू, पानी तो लाना जरा। टूनी एक गिलास पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी, तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टूनी बहू, ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। वो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे, मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टूनी से कहता है, टूनी आंटी खास तुमसे मिलने ही आई है, और अगर तुम ऐसे ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे बात कैसे कर पाएंगी? अरे तो हम कहाँ इनको बात करने से रोके हैं, बात कर सकती हैं, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी, बहुत हो गया, तेरा क्या ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती हैं, तेरी बहुओं में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहाँ से चली जाती है। और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टूनी किसी की नहीं सुनती, वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती है। अब तो लूसी की पड़ोसन भी टूनी का मजाक बनाने लगी थी, वो टूनी को देखकर गाना गाती थी, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना लगे आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टूनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टूनी को पता नहीं चलता, लेकिन जब टूनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, ये 4 इंच का, ये 4 फुट का तुम पर तनी कितना घूंघट करके रहती हो, अगर ये ना करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है, हमारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी ना छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए सोनू जी, मुझे पता चल गया है, अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुए था तो पता नहीं चला, अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने घूंघट करना छोड़ दिया। घूंघट करना। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था, और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है, और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है, वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू,
मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुँचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमका कर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापिस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है, एक काम कर तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है। पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे और उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है, यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। आप
आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरे बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसके ड्रेस में कॉफी गिर जाता है, वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरे ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है।